लाखों लोगों की जाने चली गई, लेकिन अभी भी सरकार सतर्क नहीं है। आगामी 1 जुलाई को भाकपा माले के द्वारा बिहार में जर्जर और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलने के लिए स्वास्थ्य विभाग हमारा अधिकार अभियान अब चलाया जाएगा। वहीं महाले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि अभियान सिर्फ भाकपा माले का नहीं है बल्कि सभी लोगों का है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से सरकार लगातार जांच और मौतों का झूठा आंकड़ा पेश कर रही है उसका भी पर्दाफाश किया जाएगा। वो कहते हैं कि देखो परसेंटेज मौत का सबसे कम भारत में, अभी करोड़ों में लोग नहीं मरे हैं, कुछ लाखों में मरे हैं, लेकिन जब वैक्सीन की बात आती है तो वो हमें नहीं बताते हैं कि अभी तक हमने सिर्फ 5% लोगों को भी नहीं वैक्सीन दे पाए। तब वो कहते हैं कि हमने 25 करोड़ डोज दे दिया, 25 करोड़, उसमें बहुत सारे लोगों को एक ही डोज मिला है, दूसरा डोज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है। तो हमें लगता है कि जो बड़ा सवाल है कि सभी लोगों को, हमने जब ये मुद्दा उठाया कि वैक्सीन देना, मुफ्त में देना ये सरकार का काम है और वैक्सीन पाना, मुफ्त में पाना ये हमारा हक है, तो देर सवेर नरेंद्र मोदी को भी मानना पड़ा और उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार ये जिम्मेदारी लेगी, जो राज्य के हिस्से में 25% डाला गया था वो केंद्र सरकार मुहैया करेगी। अच्छी बात है, लेकिन अब हमारे पास वो रोड मैप नहीं है कि कब तक मिलेगा, बिहार के आम लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कब तक वैक्सीन मिलेगा। अगर ये जो नीतीश कुमार जी की रफ्तार है और वो जो हिसाब बता रहा है हमें, उसमें तो 2 साल लग जाएंगे बिहार को वैक्सीनेट करने में, और 2 साल में कितनी लहरें आ जाएंगी। तो हमें लगता है कि हमने दूसरी लहर से सीख करके हम लोगों को बिल्कुल ये तय कर लेना है कि जल्द से जल्द अगले 3 महीने के अंदर पूरे बिहार में कंप्लीट वैक्सीनेशन की गारंटी करो। तो चलिए सीधे जुड़ेंगे रिपोर्टर कुमार गौतम, लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, जिस तरह से भाकपा माले ने कहा है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग हमारा अधिकार, इसको लेकर प्रदर्शन किया जाएगा और इसमें और लोग भी जुड़ेंगे, आमजन भी शामिल होंगे, तो क्या इससे स्वास्थ्य विभाग पर कोई फर्क पड़ेगा? वाकई में सरकार सोचेगी कि हाँ स्वास्थ्य विभाग में जो बदहाली हमें दिखाई दे उसे बेहतर करना चाहिए? गौतम, बिल्कुल सागर, इसको बेहतर करना ही होगा। बात कोई विपक्ष की नहीं है, सरकार को ही अपने कार्यशैली में परिवर्तन लाना होगा और किस तरीके से पिछले 2 या 3 दिनों से जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है उन रफ्तार के मुताबिक वह चले, तब जाने कुछ संभव है कि पूरे बिहार को वैक्सीन लग पाएगा। लेकिन इसके लिए सरकार और प्रशासन से ज्यादा आम लोगों के अंदर जागरूकता की जरूरत है। मैंने लगातार खबरें दिखाई है और लगातार जिस ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर कह रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी ग्रामीण परिवेश है, चाहे राजधानी पटना के आसपास के इलाके में हो या फिर किसी भी जिले में, वहां पर भी जो नाराजगी है, जो जागरूकता की कमी है, उसको लेकर के आज भी वैक्सीन को लेकर लोगों के अंदर संशय है। लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते, उनके मन में डर है कि यह वैक्सीन से कोई फायदा नहीं है, कोरोना सिर्फ हाई फाई लोगों को होता है, जिनके पास पैसा होता है उनको होता है। किसी का ये मानना है कि कोरोना सिर्फ चुनाव के समय आता है, तो लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं हैं जिसको खत्म करना होगा और ये मानना होगा सभी को, न सिर्फ सत्ता दल के लोगों को बल्कि विपक्ष के लोगों को भी, कि ये वैक्सीन वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा अनुसंधान है जो कोरोना के सिम्टम को खत्म करता है, आपके अंदर अगर संक्रमण फैल गया है तो उससे लड़ाई लड़ सकता है। तो इस चीज को सबसे पहले फोकस करना होगा। अगर सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जिला प्रशासन की तरफ से अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं, लगातार वैक्सीन को लेकर के जो जगह मुकम्मल की गई है उसके दायरे बनाए जा रहे हैं, पर पूरे अभियान के तौर पर जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, फिर भी 200 लोगों तक एक वैक्सीन वैन पूरा नहीं कर पा रही है, महज 60-70 लोग, यानी कि आधे से ज्यादा लोग पहुंच जा रहे हैं। लेकिन गौतम, भाकपा माले का पूरा निर्धारित कार्यक्रम क्या है, क्या क्या करना चाह रही है इसमें भाकपा माले? क्योंकि पूरे निर्धारित कार्यक्रम की बात करें तो सरकार चाहती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जहां कहीं भी PSC है वहां लोग आए, स्वेच्छा से आए और जो रफ्तार पिछले 3 दिनों में देखने को मिल रही है, ये एक अच्छी बात है कि पिछले 3 दिनों में लग रहा है कि बिहार वैक्सीन के बारे में सोच रहा है,
आप पटना के एम्स पीएमसीएच जो बड़े बड़े अस्पताल है, जो प्राइवेट अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वहां भी वैक्सीन है। इसके अलावा जो बिहार के अड़तीसों में है उन तमाम पीएससी लेवल पर वैक्सीनेशन की व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा सामुदायिक केंद्र में वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। आप अंदाजा लगाए कि मुखिया जो सरपंच प्रतिनिधि जो पंचायत स्तर पर होता है वहां पे अब लोग अभी तक लोगों के में 70% लोग अभी तक वहां वैक्सीन नहीं लगवाए जबकि वहां पे व्यवस्थान है। तो ये देखना होगा पर सबसे पहले जनप्रतिनिधि को लगाना होगा तब जाकर के जनता से आप अपील कर सकते हैं। तो जब मुखिया के मन में सरपंच के मन में या जो जनप्रतिनिधि है वार्ड पार्षद है जिला परिषद सदस्य है उनके मन में यदि संशय हो आप अंदाजा लगाइए कि अब आप कैबिनेट बिहार विधानसभा में यदि विधानसभा अध्यक्ष को आग्रह करना पड़ रहा है गुजारिश करनी पड़ रही है कि अगर मानसून सत्र आता है तो कृपया सभी माननीय विधायक वैक्सीन लगवा कर मानसून सत्र में आए। यानी कि अभी भी मानसून सत्र के जो शुरुआत होगी उसमें उनको लगता है कि अगर किसी ने नहीं लगाया तो शायद संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा और यदि विधायक नहीं लगाएंगे तो विधायक के क्षेत्र की जनता से हम कैसे लगवाने की उम्मीद करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने लगाया है देश के लोगों को सोचना चाहिए, राष्ट्रपति ने लगाया है देश के लोगों को सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों वैक्सीन लगा दिए, कल देखिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की पत्नी के साथ वैक्सीनेशन का डोज ले चुके हैं। तो इसकी पहल करनी होगी आम लोगों के अंदर बिल्कुल जाति या किसी पार्टी पॉलिटिक्स का वैक्सीन नहीं है। ये एक अनुसंधान है जिसको हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है और ये इससे कोरोना के संक्रमण का जो खतरा है वो 90% तक खत्म रहता है। यही कारण है कि आज हम दूसरी लहर को बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर आप अंदाजा लगाइए यदि वैक्सीन के पहले डोज को डॉक्टर गौतम ये आप कहना चाह रहे हैं कि अगर विपक्ष भी अगर साथ अगर डटा रहे खड़ा रहे और लोगों को जागरूक करे बताए कि वैक्सीनेशन ही हमारी जिंदगी है कोरोना काल में तो फिर शायद वैक्सीनेशन का दायरा और बढ़ता लोग और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। क्यों गौतम बिल्कुल सागर आपने बिल्कुल ठीक कहा क्योंकि देखिए आज भी अगर तेजस्वी यादव के अभी बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यदि उन्होंने ही वैक्सीन नहीं दी तो बाकी आरजेडी के माननीयों से क्या आप उम्मीद करते हैं क्योंकि जो वो कहेंगे वही लोग मानेंगे। अब अगर ऐसे में तेजस्वी यादव खुलकर सामने आए और अगर कहते हैं कि भाई वैक्सीन लेना चाहिए या वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ानी चाहिए तो ये तो अच्छी बात है ना तभी तो लोग मानेंगे। ऐसे में सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाना या विपक्ष की किसी बात को लेकर के सत्ता पक्ष का वॉकआउट करना किसी बात का निशाना बनाना पोस्टर अटैक करना ये अभी ये वक्त नहीं है। ये वक्त है बिहार को स्वस्थ करने का, ये वक्त है बिहार के उन मासूम और बच्चों तक पहुंचना होगा। अभी तो बड़े की बात करिए 18+, 25+, 60+ उसके बाद का जो दायरा आएगा ना सागर इतना खतरनाक होने वाला है। अगर यही वैक्सीनेशन के प्रति उदासीनता रही लोगों की तो अब ये मासूम बच्चों तक पहुंचेगा और आप फिर और हम देखते रह जाएंगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं ताकि आप खुद को भी सुरक्षित रख सके संरक्षित रख सके और आप कह सके कि हाँ आपने वैक्सीनेशन की दोनों डोज ले ली है। लेकिन वैक्सीन के बाद भी यदि अगर इतना होने के बावजूद भी अगर वैक्सीन के प्रति लोगों में उदासीनता है बिल्कुल गौतम ये उदासीनता भारी पड़ सकती है आम जन पर आम लोगों पर उन मासूमों की जिंदगी पर जो लोग अभी नहीं पहुंच रहे वैक्सीनेशन केंद्र पर। शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से गौतम ने कहा कि वैक्सीनेशन का दौर तो जारी लेकिन लोग हिस्सा नहीं ले रहे लेकिन भाकपा माले के कार्यक्रम का हमने जिक्र किया